नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर निशांत भाटिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के बारे में और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के तीन जो मेन कंपोनेंट है वो है यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब और ओवरी। यूटेरस जो है एक्सटर्नल ऑर्गन वेजाइना से अटैच होता है और दूसरी तरफ जो है फेलोपियन ट्यूब अटैच होती है यूटेरस से दोनों साइड में, और फेलोपियन ट्यूब जो है दोनों साइड में ओवरीज से अटैच होती है। यह जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका काम है फीमेल रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। ओवरी जो है वो एग प्रोड्यूस करती है या ओवियम प्रोड्यूस करती है, ओवा प्रोड्यूस करती है, जो कि डिसेंड होकर फेलोपियन ट्यूब में आते हैं। फेलोपियन ट्यूब में ही इनका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आगे कैरी ऑन होता है और यहीं से यह डिसेंड होकर यूटराइन कैविटी में लॉज हो जाते हैं। तो अगर फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है तो उस वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या देखने को मिलती है। इसके जो मुख्य कारण है वो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन जो यूटराइन कैविटी में हो या फेलोपियन ट्यूब में हो तो उसकी वजह से फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। दूसरा कारण है ट्यूबरकुलोसिस, जिसके कारण भी यह ट्यूब्स जो है ब्लॉक हो सकती है या क्लैंप हो जाती है। कई बार यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब और ओवरी तीनों को मिलाकर भी ट्यूबरकुलोसिस में ये तीनों चीज़ें क्लैंप हो जाती है। इसको हिस्ट्रोसाल्पिंगोफ्राइटिस बोलते हैं, या इसी टाइप की जो कंडीशंस हैं जिसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है उसके कारण फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होना स्वाभाविक है। तीसरा जो कारण है वो स्कार टिश्यू फॉर्मेशन है, या किसी प्रकार का स्कार जो बन जाता है फेलोपियन ट्यूब में, उसकी वजह से भी ब्लॉकेज हो सकता है। ये तो थे तीन जो मुख्य कारण हैं जो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के। अब बात करेंगे इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। वैसे सिम्टोमेटिक अपीयरेंस कुछ भी नहीं आता है फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का, सिर्फ एक इनफर्टिलिटी की समस्या आती है, यही एकमात्र साइन या एक ही सिम्टम है। अब जब इसको डायग्नोस करने की बात करें तो डायग्नोस जो है यह एक ही टेस्ट पे हो पाता है, वो है HSG या हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी। हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी टेस्ट में ट्यूबल पेटेंसी या ट्यूबल ब्लॉकेज के बारे में पता चलता है। ये तो थी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के बारे में या उसके कॉजेज, उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। अब होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली मेडिसिन है लैकेसिस 200। लैकेसिस 200 का 2 बूंद आपको हफ्ते में 1 बार लेना है। अगर आपका लेफ्ट साइड का ट्यूब फेलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक है तो ही यह दवा लेंगे। दूसरी जो दवा है वो है कैल्केरिया ओवाटोस्टा। कैल्केरिया ओवाटोस्टा उस कंडीशन में लेंगे जब आपको हैवी ल्यूकोरियल डिस्चार्ज हो, यानी सफ़ेद पानी का डिस्चार्ज होता हो, साथ ही साथ कमर दर्द की समस्या बनी रहती हो। तो कैल्केरिया ओवाटोस्टा आप 3x पोटेंसी में 2-2 गोली दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम लेंगे, चबा कर खाएंगे। तीसरी जो दवा है वो है यूपियन 30। यूपियन 30 आप तभी लेंगे जब आपको हैवी ल्यूकोरियल डिस्चार्ज हो रहा हो। तो यूपियन 30 का आपको 30 नंबर की गोली में या पिल्स में 5-5 गोली या 10-10 गोली दिन में 2 बार, 10-10 गोली सुबह शाम लेंगे। ये तो थी तीनों मेडिसिन ऑप्शनल या जैसा आपका सिम्टम मैच करे उसके अकॉर्डिंग लेने के लिए। चौथी और पांचवी जो मेडिसिन मैं बता रहा हूँ यह नेसेसरी आपको लेनी ही लेनी है, चाहे आपका कोई सिम्टम मैच करे या ना करे। यह ट्यूबल पेटेंसी के लिए या ट्यूबल ब्लॉकेज को खोलने के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। चौथी जो मेडिसिन है उसका नाम है कैल्केरिया फ्लोर 6X। कैल्केरिया फ्लोर 6X ट्राइचुरेशन टैबलेट्स हैं। इन टैबलेट्स को आपको 4-4 गोली दिन में 3 बार लेना है। 4 गोली सुबह लेंगे, 4 दोपहर में तथा 4 शाम को लेंगे। इसको चबाकर खाना है। और पांचवी जो मेडिसिन है उसका नाम है ओवरीज, या ओवरीज 3X बोलते हैं, ओवेरिनम बोलते हैं, या ओवरीज 3X बोलते हैं। ओवरीज 3X जो है ट्राइचुरेशन टैबलेट है, इसका भी आपको 2 गोली सुबह, 2 दोपहर में तथा 2 गोली रात को लेना है। यह गोली या यह मेडिसिन जो है वो ट्यूबल ब्लॉकेज से ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है इसका ओवेरियन जो फॉलिकल्स है उन पे अच्छा रोल है, और साथ ही साथ यह एग प्रोडक्शन को बढ़ाती है जिससे कि आपकी फर्टिलिटी की संभावनाएँ बढ़ जाती है।
तो यह बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कैल्केरिया फ्लोर और ओवरीज 3X, इन दोनों मेडिसिन को आपको सारे केसेस में या हर प्रकार के केस में आप इनको ले सकते हैं। यह ट्यूबल ब्लॉकेज को खोलने में बहुत अच्छे कारगर साबित होते हैं। तो ये था पूरी जानकारी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के बारे में और उसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।